अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन के लिए ताज़ा तरीन खबर शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बजट 2021 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन दोनों में इजाफे के लिए सिफारिशात फाइनल कर ली गई हैं। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बजट 2021 में कितने फ़ीसद इजाफा होगा, इस सारी तफसील में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम सूबों और वफाक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन और अलाउंसेज में इजाफे के हवाले से जैसे ही मेरे पास कोई लेटेस्ट अथेंटिक न्यूज़ आएगी तो मैं फौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन की जानब। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से है कि सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है, जिसकी हतमी मंजूरी 15 जून 2021 को सिंध की काबीना से ली जाएगी। वज़ीर ख़जाना सिंध 15 जून 2021 को सुपहर 3 बजे असम्बली ऐवान में बजट पेश करेंगे और 16 जून 2021 को पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध असम्बली ऑडिटोरियम में होगी। सिंध असम्बली का बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़जाना सिंध असम्बली में पेश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान के तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कोई नोटिफिकेशन इशू होगा तो वो नोटिफिकेशन की कापी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अगर मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।